गुरुवार को आजमाएं हल्दी के धनदायक टोटके के उपाय, खूब पाएंगे धन और परक्कत। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आपको इस चैनल पे इस तरीके की जानकारी मिलती रहती है। आप भी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपको बताएं, हल्दी को ज्योतिष में भी बेहद लाभकारी माना गया है। गुरुवार की पूजा बिना हल्दी की अधूरी मानी जाती है। गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ आसान उपाय और टोटके आजमाने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं हल्दी के कुछ अचूक उपाय और टोटके। दोस्तों गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। गुरुवार की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है। गुरुवार की पूजा बिना हल्दी के अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसे में गुरुवार के दिन हल्दी के उपाय और टोटके आपकी किस्मत बदल सकती हैं। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के धन काफी लंबे समय से कहीं अटका हुआ है और आपको चाहकर भी वापस नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा चावल लें, उन्हें हल्दी से अच्छी तरीके से मिलाकर फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपका अपना अटका हुआ धन वापस मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे में गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की गांठ से बनी माला अर्पित करें। इस उपाय से आपके सभी काम आसानी से हो जाएंगे, साथ ही काम काज में आ रही बाधा भी दूर होगी। अगर आपको बुरी नजर लग गई है या फिर आपको बुरे सपने परेशान करते हैं, तो हल्दी की गांठ पर मौली बांधकर उसे अपनी सिरहाना रख के सो जाएं। ऐसा करने से आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। इसके अलावा भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने रोजाना चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से भी समस्या दूर होती है। साथ ही अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है। अगर व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, लगातार घाटा हो रहा है, तो काली हल्दी और केसर में पानी मिलाकर अच्छे से घोल तैयार कर लें। इसके बाद तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं और इसकी नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से सभी समस्या दूर होंगे, बिजनेस में उन्नति होगी।